हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं, चलिए बनाते हैं। तो उसके लिए हमने लिया 3-4 लहसुन, थोड़ा सा अदरक और 4-5 काजू, 4-5 ब्लैक पेपर और 2 हरी मिर्च। मिर्ची आप अपने हिसाब से डालें तीखा। उसके बाद हम डालेंगे आधा कप दूध और पालक को धो लिए हैं अच्छे से और पालक को इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें नमक और थोड़ी सी चीनी डाल देंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये मिक्स करते हैं, इसको ढकना नहीं, खोल के पकाएंगे तो ये हो जाएगा, ढकने से कलर चला जाता है, इसलिए ना ढके। और हम एक प्याज को छोटा छोटा काट लेंगे। उसके बाद हम इसको ठंडा कर लेंगे। ये हो चुका है हमारा, तो ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं अच्छे से। पतला पीस लेंगे हम इसको अब मिक्सर में, देख सकते हैं। उसके बाद हमने एक कढ़ाई को धो लिया और उसमें डाल दिया 2 चम्मच घी और जीरा, इलायची और तेज़पत्ता, काली मिर्च, जो भी आपके पास हो गरम मसाला, आप 1-2 पीस डाल दें गरम मसाले में। और उसके बाद हम प्याज डाल के भूज लेंगे गोल्डन भूरा होने तक। उसके बाद आधा चम्मच धनिया, जीरा, हल्दी हम ये सब डाल देंगे। उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से थोड़ी देर, 2 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसमें पालक पीसी हुई डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देख सकते हैं हमने इसको अच्छे से मिला लिया है इसमें गैस को सिम करके। और पानी आधा कप डालें और डाल के मिला ले अच्छे से, देख सकते हैं इतना ठीक है थिक होने के लिए। अब हम उसको सिम पे रख देते हैं और ये पैन में हम डालते हैं 1 चम्मच घी और हम पनीर को काट के डाल देते हैं इसमें, नमक डाल देते हैं और फ्राई कर लेंगे इसको। हल्के हाथों से फ्राई करें नहीं तो पनीर टूट जाएंगे। और उसके बाद इसे ज़्यादा नहीं भूजना है, हल्का सा, देख सकते हैं। अब हम डालेंगे 2 चम्मच की क्रीम डाल देंगे। उसके बाद इसे हम पनीर डाल के, देख सकते हैं, हल्के हाथ से मिला लेंगे। नमक टेस्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद इसे देख सकते हैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ देंगे। और इसमें हम डालेंगे बटर, सिम में ही करें। उसके बाद कस्तूरी मेथी थोड़ी सी डाल देंगे और ऊपर से थोड़ा सा पनीर डाल देंगे। उसके बाद ऐसे सिम में रखे 2 मिनट, रेडी हो गया। चाहे तो आप रोटी या राइस किसी के साथ खाएं, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।